हेलो, आज हम लोग सीखेंगे कि वर्ड में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। वर्ड का जो बेसिक है, सपोज़ ये टेक्स्ट है और हमको इस पे कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है, तो जो फर्स्ट थिंग है वो ये है, वर्किंग क्राइटेरिया, कि आपको इसको पहले सिलेक्ट करना पड़ता है लाइक दिस, फिर आप जो भी चाहें इफ़ेक्ट इस पे लगा सकते हैं। तो आपको टेक्स्ट पे कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए सिलेक्ट करना पड़ता है, तो जितना जल्दी हम सिलेक्ट करेंगे, जितना तेज़ी से सिलेक्ट करेंगे, उतना तेज़ी से हम लोग काम कर सकते हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के दो तरीका है, एक तो माउस की हेल्प से, दूसरा कीबोर्ड की हेल्प से। पहले मैं आपको माउस की हेल्प से कैसे पर्टिकुलर टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे वो मैं बताता हूँ। सेलेक्ट करना तो अप्रोक्स हम सभी लोग जानते हैं। सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, होल्डिंग लेफ्ट लेफ्ट बटन और कंटिन्यू करना है ऐसे। तो ऐसे तो कर ही ले लेते हैं। आप कुछ ट्रिक्स हैं जिनके थ्रू आप और तेज़ी से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमको एक वर्ड सेलेक्ट करना है, लाइक ये इंट्रोड्यूस, तो आप क्या करेंगे? अगर आप नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि माउस का लेफ्ट बटन आई के पास ले जाके क्लिक करेंगे और राइट की तरफ ड्रैग करेंगे, ये है तरीका। अगर हमको एक वर्ड सेलेक्ट करना हो इस तरीके से हम लोग करते हैं। आप चाहें तो एक वर्ड को डबल क्लिक करके लेफ्ट बटन को टू टाइम्स प्रेस करके सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन को हमको करना है, तो आप पहले माउस पॉइंटर इंट्रोडक्शन पे ले जाइए, इसके बाद डबल क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं डबल क्लिक करने से एक वर्ड सिलेक्ट होता है। मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, तो कोई भी वर्ड हो, वर्ड में आप अगर डबल क्लिक करते हैं तो वो एक बार में सिलेक्ट हो जाता है। ठीक, अब बात करते हैं पैराग्राफ की। ये है आपका एक पैराग्राफ। अगर पैराग्राफ को सिलेक्ट करना हो तो आप ऐसे सिलेक्ट करते हैं। इसको और तेज़ी से सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, माउस पॉइंटर को आपको पैराग्राफ के बीच में कहीं पर भी लेकर जाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, थ्री टाइम क्लिक करना है। टू टाइम क्लिक करते हैं तो वर्ड सेलेक्ट होता है, थ्री टाइम क्लिक करते हैं तो एक पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट होता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर आपको सेलेक्ट करना हो लाइन, तो आप लाइन को कैसे सेलेक्ट करेंगे? लाइन को सेलेक्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि लाइन के स्टार्टिंग में माउस पॉइंटर को ले जाते हैं, इसके बाद आप लेफ्ट बटन को प्रेस करके ऐसे सेलेक्ट करते हैं। ये तरीका है लाइन सेलेक्ट करने का। इसको और तेज़ी से अगर करना हो आपको, तो आपको क्या करना है, देखिए ये जो है एरिया, ये जो है एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिंग। ठीक, मार्जिंग एरिया में क्या होता है कि हम टाइप नहीं कर सकते, ये ब्लैंक स्पेस होता है। और ये जो है एरिया, रूलर का वाइट से जो इंडिकेट कर रहा है, इसको हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि वर्किंग एरिया। अब आप माउस पॉइंटर पे ध्यान दीजिएगा, जब मैं इसको राइट हैंड साइड के मार्जिंग पे लेके जा रहा हूँ, अभी देखिए ये बीम शेप में है। अब ये क्या हुआ, शेप बदल के माउस में, माउस पॉइंटर इस शेप में आ गया, एरो के शेप में, बीम शेप एरो शेप में। तो ये एरो शेप इंडिकेट करता है कि अभी आपका वर्ड लाइन सिलेक्शन मोड में है, यानी कि अब जिस भी लाइन के सामने एक बार क्लिक करेंगे वो पूरी की पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। तो कभी भी आपको अगर एक लाइन सेलेक्ट करना है, तो ऐसे तो आप करते ही हैं, इससे बेटर है कि आप लेफ्ट मार्जिन में जाके लाइन के सामने एक बार क्लिक करें, तो ये आपका समय बचाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई माउस से सेलेक्ट करने की। आप चाहो तो किसी टेक्स्ट को कीबोर्ड से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कीबोर्ड से काम करना फास्ट होता है कंपेयर टू माउस, इसीलिए शॉर्टकट्स बने हुए हैं। तो कीबोर्ड से सेलेक्ट करने के लिए मैं आपको वर्चुअल कीबोर्ड ओपन करके कुछ की के बारे में बताना चाह रहा हूँ। जैसे ये जो मेरा है की, इसको हम लोग बोलते हैं एरो की। ठीक, फिर ये होम है, एंड है, इंसर्ट है, पेज अप पेज डाउन, इन इन कॉम्बिनेशन को आप बोल सकते हैं नेविगेट की। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि नेविगेट की का कैसे आप यूज कर सकते हैं। जो एरो की है उसका तो हमको यूज पता है कि अप करेंगे तो कर्सर अप जाएगा, डाउन करेंगे तो डाउन जाएगा,
लेफ्ट प्रेस करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, राइट करेंगे तो राइट हैंड साइड, ये हम लोग जानते हैं। अच्छा, अगर हम बार हमने कई बार नाम लिया कर्सर का, तो कर्सर एग्जैक्टली क्या है? देखिए, कर्सर हमको ये बताता है कि अभी अगर आप कीबोर्ड से कुछ भी चीज़ टाइप करेंगे तो वो कर्सर के लेफ्ट हैंड या राइट हैंड साइड में डिपेंड करता है कि कौन सा मार्जिन आपने सेलेक्ट किया है वहाँ पे आएगा। तो जब हम राइट हैंड साइड लेके जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि जो कर्सर है एक एक कैरेक्टर करके स्किप हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा कर्सर बेसिक पर है, बी पर, और हमको अपना कर्सर लेके जाना है सी पे, यानी कि कंप्यूटिंग के पास, तो आपको माउस का यूज़ नहीं करना है, अभी जो भी काम हो रहा है कीबोर्ड की हेल्प से, तो आप क्या करेंगे, राइट की को कंटिन्यू प्रेस करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, जा तो रहा है लेकिन एक एक कैरेक्टर होके जा रहा है, तो ये काफ़ी समय ले रहा है। इसका एक अल्टरनेटिव है, वो ये है कि आपको अगर आप बेसिक पे हैं, जैसा कि यहाँ पे भी बी के पास है कर्सर, और आपको जाना है कंप्यूटेशन के पास सी के पास, तो आपको क्या करना है, राइट एरो की का तो यूज करना है ये ऑब्वियसली, लेकिन आप क्या करें, इस राइट की के एरो की के साथ कंट्रोल प्रेस कर दे। तो आप देखिए क्या हुआ, अभी कर्सर जा रहा है लेकिन एक एक वर्ड होके जा रहा है। तो बिटवीन द लाइन अगर आपको नेविगेट करना है तो आप लेफ्ट या राइट एरो की के साथ कंट्रोल को प्रेस कर देते हैं, तो ये वर्ड टू वर्ड स्किप करता है, इससे आपका समय बचता है बिटवीन द लाइन कर्सर को आगे पीछे मूव करने के लिए। अगर हम कंट्रोल के साथ अप एंड डाउन प्रेस करते हैं एरो की, तो क्या होता है, आप देख सकते हैं कि कंट्रोल के साथ अप एंड डाउन की प्रेस करने से क्या होता है कि आपका एक एक पैराग्राफ अप एंड डाउन होता है, ठीक है। तो ये आपने सीखा। खैर, अब दूसरी चीज़ सीखते हैं कि कर्सर अभी हमारा कहाँ है, वंडर यानी कि डब्लू पे, और हमको कर्सर कहाँ पे लाना है, आर यानी कि ए पे, कह सकते हैं कि लाइन के स्टार्ट में। तो आप कैसे आएंगे, ऑब्वियसली आप लेफ्ट एरो की का यूज करेंगे, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, तो आप कंट्रोल का यूज कर लेंगे, थोड़ा तेज तो हो ही गया, लेकिन इस काम को आप और तेज़ी से कर सकते हैं। आपके कीबोर्ड में डेडिकेटेड दो बटन होते हैं, एक बटन है होम, एक बटन है एंड। अगर हम होम को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, देखते हैं, कर्सर अभी कहाँ पर है, डब्लू पे, और हमने प्रेस किया होम, तो आप देख सकते हैं कि कर्सर कहाँ पे चला गया, कर्सर चला गया लाइन के स्टार्ट में, यानी कि जो होम की है वो क्या करता है, कर्सर जहाँ भी रहे आपको लाइन के स्टार्ट में भेज देता है। जस्ट इसका अपोजिट है एंड की, ये क्या करता है, लाइन के एंड में भेज देता है। अभी देखिए कर्सर कहाँ है, डब्लू पे, और हम एंड की प्रेस कर रहे हैं, देखिए क्या होगा, कर्सर आप देख सकते हैं कि लाइन के लास्ट में आ गया। तो होम और एंड की, होम की क्या करता है, कर्सर को लाइन के स्टार्ट में ट्रांसफ़र कर देता है, एंड क्या करता है, कर्सर को लाइन के लास्ट में ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक। अच्छा, अभी आपके कीबोर्ड में दो बटन और हैं, एक है पेज अप और एक है पेज डाउन। पेज अप पेज डाउन का क्या यूज है ये समझते हैं। तो फिलहाल हम कुछ चेंज करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। हमने का कलर ग्रीन किया, इतने का कलर हमने फॉन्ट का कलर रेड कर दिया, इतने का कलर हमने फॉन्ट का मान लीजिए कि ब्लू कर दिया, इतने का कलर हमने फॉन्ट का इटैलिक अंडरलाइन कर दिया। कुछ ये चेंज हम क्यों कर रहे हैं अभी आपको मालूम चल जाएगा क्यों कर रहे हैं चेंज। सपोज ये हमने किया, तो जैसा कि आपको देख के लग सकता है कि जो पेज अप पेज डाउन है ये क्या करता है, एक पेज ऊपर या नीचे करता है, पेज नंबर कहाँ पे दिख रहा है ये, ठीक। अगर ये एक एक पेज अप एंड डाउन करता है तो हम अगर पेज अप पेज डाउन कर रहे हैं तो पेज नंबर यहाँ पे चेंज होना चाहिए। मैं अभी पेज डाउन प्रेस कर रहा हूँ, क्या पेज नंबर चेंज हुआ, पेज नंबर चेंज नहीं हुआ। इससे ये प्रूव होता है कि पेज अप पेज डाउन एक सिंगल पेज स्किप नहीं करता है। तो पेज अप पेज डाउन क्या करता है, आइए देखते हैं। आप फॉन्ट का कलर देखिए, और मैंने पेज डाउन को प्रेस किया, समझ सकते हैं क्या हुआ,
देखिए पेज अप पेज डाउन क्या करता है, करंट में आपके स्क्रीन पे जितनी चीज़ें दिख रही हैं उसको वो फॉरवर्ड करता है, अप या डाउन डिपेंड करता है कि कौन सा की आपने प्रेस किया है। अभी जैसे पेज डाउन हमने किया तो देखिए ये अप्रोक्स वो ग्रीन टाइप का जो कलर है वो चला गया, रेड कलर आया, फिर देखिए अप्रोक्स रेड चला गया। स्क्रीन पे जितना दिखता है उतना एक बार में अप एंड डाउन करता है। तो आप पेज अप पेज डाउन को एक एक स्क्रीन अप या डाउन करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है? कंफ्यूज ना हो, पेज अप पेज डाउन से पेज चेंज नहीं होता है, ठीक है? अच्छा, अब सपोज हमारे इस डॉक्यूमेंट में कितने पेज हैं, टोटल 11 पेज हैं और हम अभी फर्स्ट पेज पे हैं। तो जब आप काम करते हैं आपके तो तरह तरह की रिक्वायरमेंट आती हैं। अभी हमारे सामने ये रिक्वायरमेंट है कि हमको लास्ट पेज पे टाइप करना है, जैसा कि पेज नंबर 11 पे। तो आपके पास क्या रास्ता है, आप व्हील को रोटेट कर सकते हैं, आप यहाँ से इसको ड्रैग कर सकते हैं। तो लग रहा है कि ये ड्रैग करने से हम जल्दी से लास्ट पेज पे ट्रांसफ़र हो गए, ठीक है, हो गए। कंपेयर टू व्हील ये स्पीड फास्ट है, लेकिन सोचिए अगर इस डॉक्यूमेंट में 1000 पेज होते हैं, 2000 पेज होते हैं, तब ये जो हम लोग जो स्क्रॉल बार को ड्रैग करके अप या डाउन कर रहे हैं, तो ये भी हमारा टाइम उतना सेव नहीं कर सकता था जितना कि होना चाहिए, ठीक है? तो आपको अगर एक अटेम्प्ट में पेज के लास्ट पे जाना है, जो भी लास्ट पेज है, तो की कॉम्बिनेशन है कंट्रोल प्लस एंड, देख सकते हैं कंट्रोल प्लस एंड। कंट्रोल के साथ अगर आप एंड को प्रेस करते हैं तो पेज के लास्ट में जाता है। अगर आपको फर्स्ट पेज पे जाना है, पहले पेज पे, तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल के साथ होम, ठीक? कंट्रोल प्लस होम फर्स्ट पेज, कंट्रोल प्लस एंड लास्ट पेज, ठीक? चलिए अब बिटवीन द पेज, अगर मान लीजिए हमको किसी पर्टिकुलर बीच के पेज पे जहाँ जाना है, लाइक पेज नंबर 5 6 7 वट एवर, तो आपको क्या करना है? तो बिटवीन द पेज फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के अगर आपको किसी फर्दर बीच के पेज पे जाना है तो आपको क्या करना है, आपको कंट्रोल प्लस जी यूज करना है। कंट्रोल प्लस जी स्टैंड फॉर गो टू, और यहाँ पे गो टू में आप देख सकते हैं आपके पास कई ऑप्शन है, पेज सेक्शन, लाइन, बुक मार्क और भी कई सारे हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे पेज बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है और उसे ही सेलेक्ट रहने देना है, और ये जो एंटर पेज नंबर है यहाँ पे पेज नंबर आपको देना है। मैंने दिया पेज नंबर 5, आप इस हिस्से पे ध्यान देना क्या होगा, अभी पेज नंबर 1 पे है और हमने प्रेस किया गो टू, तो आप देख सकते हैं कि पेज नंबर चेंज हो गया। इट मीन्स कि बिटवीन द पेज अगर आपको पहले और लास्ट को छोड़ के कहीं जाना है तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस जी, और फिर पेज नंबर 6 किया, पेज नंबर 6 पे आ गए, 9 किया, पेज नंबर 9 पे। रैंडम किसी भी पेज पे आप जा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा है प्लस और माइनस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बता रहा हूँ मैं। फिलहाल मैं आ गया पेज नंबर 2 पे, ठीक है? आप यहाँ से देख भी सकते हैं पेज नंबर 2। अब हमने क्या किया, प्लस टू, इसका मतलब ये हुआ कि करंट में आप जिस पेज नंबर पे हैं उसके 2 पेज आगे, देख सकते हैं पेज नंबर 4 हो गया। अगर हम कर दें यहाँ पे +9 तो क्या होना चाहिए, एरर आना चाहिए या क्या आना चाहिए? क्योंकि अगर हम 4 में 9 को ऐड करते हैं तो ये जो है 11 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो टोटल 11 पेज ही हो रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, ये लास्ट पेज पे जाके रुक जाएगा। तो बिटवीन द पेज आप अगर रैंडम ऑर्डर में मूव करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस जी का यूज करके पेज नंबर देना है। करेंट पेज से कुछ स्टेप आगे पीछे करना चाहते हैं तो प्लस और माइनस का यूज कर सकते हैं, ठीक है? ओके, तो ये तो था कॉम्बिनेशन पेज में नेविगेट करने का, और हमारा ये जो ट्यूटोरियल है ये सिलेक्शन का। तो माउस से तो मैंने सिलेक्ट करना सिखाया, लेकिन कीबोर्ड से अभी तक मैंने कोई भी चीज़ सिलेक्ट करना नहीं बताया है। तो सुनिएगा ध्यान से, मैंने आपको कई कॉम्बिनेशन बताया, होम पेज के लाइन के स्टार्ट में लाता है, एंड लाइन के एंड में लाता है, कंट्रोल प्लस राइट की राइट हैंड साइड में एक एक वर्ड स्किप करता है, कंट्रोल प्लस लेफ्ट कर्सर करेंट कर्सर पोजिशन से लेफ्ट हैंड साइड में एक एक वर्ड स्किप करता है, कंट्रोल प्लस डाउन नीचे की तरफ पैराग्राफ स्किप करता है, कंट्रोल प्लस अप एरो की
ऊपर की तरह पैराग्राफ स्किप करता है। अब ये तो हमारे कॉम्बिनेशन थे नेविगेशन के। नेविगेशन का मतलब ये हुआ कि कर्सर को एक जगह से कहीं और लेके जाना। अब इस कॉम्बिनेशन के साथ अगर आप शिफ्ट को प्रेस कर दें तो क्या होगा कि कंट्रोल ट्रांसफर तो उस पर्टिकुलर एरिया पे होगा जहां आप जा रहे हैं, लेकिन साथ में वो सेलेक्ट करते हुए जाएगा। लाइक हम यहाँ पे हैं डी पे, और हमको सेलेक्ट करना है डिज़ाइन पूरा एक ही अटेम्प्ट में कीबोर्ड की हेल्प से। तो आपको पता है कि कंट्रोल प्लस राइट की करेंगे तो कर्सर वन वर्ड स्किप कर जाएगा राइट हैंड साइड की ओर। अगर आप इसी के साथ में शिफ्ट को प्रेस करते तो क्या होगा, जाएगा लेकिन सेलेक्ट करते हुए जाएगा। देख सकते हैं ये इंट्रोड्यूस को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट लेफ्ट एरो। इसका मतलब क्या हुआ, अगर वर्ड में आपको कीबोर्ड की हेल्प से कोई पर्टिकुलर वर्ड सेलेक्ट करना है तो कर्सर जहाँ पे है उसके लेफ्ट कंट्रोल शिफ्ट के साथ लेफ्ट या राइट कॉम्बिनेशन प्रेस करेंगे तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा एरो की प्रेस किया, उस डायरेक्शन में एक एक वर्ड को सेलेक्ट करते जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट आपको खुद बनाना है। ठीक है, बेसिक ये है कि जितने भी नेविगेट किए हैं अगर आप उसके साथ शिफ्ट को प्रेस करते जाएंगे तो एंटायर वो पूरा पूरा सेलेक्ट करते जाएगा। क्या होगा अगर हम यहाँ पे हैं विंडोज़ पे और हमने प्रेस किया शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की, देखिए क्या होता है, एक एक पैराग्राफ सेलेक्ट होते जा रहा है, देख सकते हैं आप। ठीक, तो अगर आपको एक एक पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो शॉर्टकट क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट अप एंड डाउन एरो। ओके, अभी हमारा कर्सर लाइन के स्टार्ट में है और हमको पूरा लाइन करना है सेलेक्ट, तो क्या कॉम्बिनेशन होगा। अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया कि एंड क्या करता है, लाइन के लास्ट में कर्सर को प्लेस करता है। अगर आप इसी कॉम्बिनेशन के साथ में शिफ्ट को प्रेस कर दें तो क्या होगा, जाएगा लेकिन सेलेक्ट करते हुए जाएगा। वैसे ही आप अगर लाइन के लास्ट में हैं और पूरी लाइन सेलेक्ट करनी है तो शिफ्ट प्लस होम। अगर आप लाइन के बीच में हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से लाइन के पहले तक का सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट प्लस होम। अगर आप लाइन के बीच में हैं लास्ट में सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट प्लस एंड। ठीक, जैसा कि हमारे सामने ये नीड आती है कई बार कि इसके पहले का लाइन का सब कैरेक्टर हटा दो, तो तेज़ी से हमको अगर करना है कंट्रोल शिफ्ट प्लस होम और डिलीट की, यहाँ से इस लाइन का लास्ट का सब हटा दो शिफ्ट प्लस एंड डिलीट की। तो ये कुछ की कॉम्बिनेशन है जिसके साथ में आप तेज़ी से अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक सिचुएशन ये देखिए, अभी हम लोग कहाँ पे, पेज नंबर 2 पे, चलिए 3 पे आ गए, पेज नंबर 3 पे। अब हमसे ये कहा जा रहा है पेज नंबर 3 के बाद जितने भी टेक्स हैं, जितने भी टेक्स हैं सबको रिमूव कर भेजिए। तो ये तो कोई छोटा मोटा टास्क नहीं हुआ, अगर आप शॉर्टकट्स का यूज़ नहीं करते हैं तो बहुत समय लगेगा। तो शॉर्टकट क्या है, आपको बेसिक इसका ये है कि करेंट पोजीशन से लास्ट तक पूरे पेज को सेलेक्ट कर लो, फिर बैक स्पेस या डिलीट की प्रेस कर दो। तो अब सवाल ये है कि करेंट पोजीशन से लास्ट तक कैसे हम पूरा पेज एक ही अटेम्प्ट में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर ये है कि अगर हम लोग कंट्रोल प्लस एंड प्रेस करते हैं तो लास्ट पेज पे जाता है। और मैंने अभी जस्ट कहा कि जो भी नेविगेट की हैं आप उनके साथ शिफ्ट को प्रेस कर देंगे तो वो सेलेक्ट करते हुए जाएगा। चलिए करके देखते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड और डिलीट की प्रेस किया, आप देख सकते हैं पेज नंबर यहाँ पे एक ही बार में पूरा पेज डिलीट हो गया। अंडू किया, सपोज मान लीजिए कि हम अगर यहाँ पे हैं आपका ये पेज नंबर 5 पर हैं और हमने कहा कि यहाँ से इस पॉइंट के पहले का सारा हटा दो, शॉर्टकट क्या बनेगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस होम, देखिए पूरा हट गया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे शॉर्टकट्स हैं जिनकी हेल्प से आप एक प्रोफेशनल वे में ज़्यादा तेज़ी से काम कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, प्रैक्टिस करिए इस ट्यूटोरियल को, जहाँ ना समझ में आए आप देखिए, और अगर आप इन की कॉम्बिनेशन का यूज करने लगेंगे डेफिनेटली आपकी स्पीड जो पर्सन ट्रेंड नहीं है उससे फास्ट होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।